महिलाएं और पुरुष करते हैं बाथरूम में या टॉयलेट में 10 ऐसी मेजर गलतियां जो उनको ही अस्पताल नहीं पहुंचाती बल्कि घर में बाकी सदस्यों को भी अस्पताल पहुंचा सकती हैं। वो जगह बाथरूम में 4 जगह हैं, एक है टॉयलेट सीट, दूसरी है वॉश बेसिन और उसके आसपास का एरिया, तीसरा है नहाने वाली जगह और चौथा है दरवाजे के पीछे की जगह। आज हम पहले शुरू करते हैं टॉयलेट में। टॉयलेट की जो सबसे बड़ी गलती पुरुष करते हैं वो जब भी यूरिन करते हैं ढक्कन नहीं उठाते, ढक्कन उठाने के बाद ही यूरिन करना चाहिए और उसके बाद ढक्कन को नीचे छोड़ना चाहिए और जब भी फ्लश करें तो ढक्कन को बंद करना चाहिए और जब इसके ऊपर बैठने के लिए खासकर एक पटड़ी नीचे रखनी चाहिए और पैर उसके ऊपर रखेंगे क्योंकि बैठ इसके लिए ये जो हिस्सा है जब ये मुड़ता है तो ये पेट को दबाता है और जोर नीचे नहीं जाता। अगर आप ये फट्टी नहीं लेते हैं तो घुटनों में दर्द है, दूसरा जो नीचे का प्रेशर है उसकी वजह से पाइल्स होने का डर रहता है। इसके अलावा जो आजकल के सारे लोग करते हैं, एक मोबाइल हाथ में पकड़ के सीट के ऊपर बैठ जाते हैं और घंटों बैठे रहते हैं, कम से कम आधा पौना घंटा तो बाथरूम में लगा ही देते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है उनकी इन्फेक्शन का, प्लस उनको पाइल्स का और हेमरॉइड्स का, जिसको हम जिसकी वजह से उनको नीचे जोर रहता है, प्लस आदमियों का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो नीचे लटक जाता है और उनको वेरिकोसील का प्रॉब्लम भी होता है और लेडीज के जो नीचे वाला हिस्सा है वो नीचे खिसक जाता है। तो कृपया इसके ऊपर बैठे नहीं और जैसे ही काम खत्म हो साथ साथ जाएं। लेडीज करती हैं एक दूसरी बड़ी गलती, यूरिन करने के बाद वो अपने हिस्से को नीचे वाले को सुखाती नहीं है, नहीं सुखाने की वजह से उनको बारी बारी वजाइना में इन्फेक्शन होती है और यूरिन में इन्फेक्शन होती है। जब वो सुखाएं तो आगे से पीछे की तरफ सुखाएं, ना कि पीछे से आगे की तरफ, और जब उनको धोना भी होता है तो सिर्फ पीछे वाले हिस्से को धोएं पीछे से और आगे वाले हिस्से को धोएं आगे से। अगर अलग अलग धोएंगी और फिर सुखाएंगी अलग अलग तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा जो वो पैड होता है, कई बार जब बच्चियां छोटी होती हैं या शर्माती हैं, डस्टबिन नहीं होता बाथरूम में, तो बाथरूम में डस्टबिन होना बहुत जरूरी है और इस पैड को डस्टबिन में डिस्कार्ड करना है ना कि फ्लश के अंदर। इसके अलावा जो भी इसको है इसको हमेशा फोल्ड कर और फिर डस्टबिन में डिस्कार्ड करना है। इसको सैनिटाइज करने का तरीका है, आप घर में एक बोतल में विनेगर सिरका लेंगे, जो घर में हर रसोई में मिल जाता है, सिरका लेके एक बोतल में डाल के रखिए, उसके कुछ तुपके इसके ऊपर डालें, एक कपड़े से साफ करें, फिर इसके ऊपर बैठें। नहीं तो स्प्रे बोतल अपने पर्स में भी रख सकती है, कहीं बाहर जाना है और आपको ये चाहिए तो ये बहुत जरूरी है कि अपने पास आप ये रखें, क्योंकि दो चीजें जो सबसे जरूरी हैं वो है सिरका और मीठा सोडा, जिनसे आप बाथरूम को हर जगह को साफ कर सकती हैं। अब आएंगे हम इस एरिया में जो वॉश बेसिन का एरिया है। हम यहाँ पे ब्रश सबके पड़े रहते हैं, टूथपेस्ट पड़ा रहता है, दवाइयां पड़ी रहती हैं, कॉस्मेटिक्स पड़े रहते हैं, ज्वेलरी पड़ी रहती है, बिल्कुल इसको ड्रेसिंग टेबल की तरह हम इस्तेमाल करते हैं और यही सबसे बड़ी बीमारियों का कारण है। जब इसको फ्लश करते हैं सीट को और अगर बिना बंद करे इसको फ्लश करा तो 15 फीट तक बैक्टीरिया जाता है। जो बैक्टीरिया है वो आपके मोबाइल में तो गया ही गया, प्लस आपके ब्रश पे भी जाता है। ये ब्रश सारे खुले पड़े हुए हैं और इनके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करता है बिकॉज ये गीले होते हैं, तो ब्रश को सुखा के कवर करके अंदर रखना है। जितने लोग कंघियां बाहर रखते हैं उनमें कंघियों से उनके बैक्टीरिया होते हैं और उनके जो बाथरूम में रखी हुई कंघी को इस्तेमाल करते हैं उनको डैंड्रफ और बाल उनके ज्यादा झड़ते हैं। कॉस्मेटिक्स को बिल्कुल भी कभी भी बाथरूम में ना रखें, इनको हमेशा एक अलग जगह पे रखें, अलग डब्बे में रखें। और आज मैं आपको बताऊंगी, आप सर्दियों के बाद कई बार आप शावर इस्तेमाल करते हैं लेकिन शावर आपका चलता नहीं है, बिल्कुल बूंद बूंद पानी उसमें से टपकता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप विनेगर ले सकते हैं एक थैली के अंदर, उसमें आप विनेगर डालेंगे, हमने डाला हुआ है पहले, और बाकी विनेगर डाल के पूरी रात के लिए इसको ऐसे भिगो के रखेंगे विनेगर के अंदर, तो और इसको यहां से बांध देंगे ओवरनाइट के लिए। इसको जब आप बांध देंगे और सुबह देखेंगे तो आपका जो शावर है बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। शावर को हमेशा ड्राई रखिए। इसके अलावा ये जो आप लूफा इस्तेमाल करते हैं,
इसको हर महीने चेंज करिए, क्योंकि इसमें भी बैक्टीरिया ग्रो करता है। जो साबुन है आपकी, साबुन के छोटे मोटे टुकड़े जो होते हैं गीले वाले, वो आप डिस्कार्ड कर दीजिए, सिर्फ साफ साबुन रखिए। और अपने जितने भी शैम्पू हैं उनको टाइम से, अगर बहुत पुराने हो गए हैं तो उनको डिस्कार्ड कर दीजिए। और बाथरूम को हमेशा सूखा रखिए, खासकर जो कोने होते हैं उनमें बहुत बैक्टीरिया ग्रो करता है, वायरस ग्रो करता है। तो उस जगह पे आप एक छोटा ब्रश लेके और एसिटिक एसिड जो विनेगर है उसको लेकर और जो मीठा सोडा है उसको लेकर वो कोना जरूर साफ करिए। अगर आप ना भी यूज करेंगे, क्योंकि जो केमिकल्स हैं, जैसे बहुत सारे आजकल सैनिटाइजर्स हैं, केमिकल्स हैं, वो आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत हानिकारक हैं। फिर आएंगे हम, हमारे जो टॉवल हम इस्तेमाल करते हैं, हम एक ही टॉवल इस्तेमाल करते हैं और उसको हफ्तों महीनों तक इस्तेमाल करते रहते हैं, जबकि टॉवल तीन इस्तेमाल करने हैं, एक बालों के लिए, एक मुंह के लिए और एक शरीर के लिए। और टॉवल तीन बार से ज्यादा अगर इस्तेमाल, तीन दिन के बाद आपको टॉवल जरूर धुलवाना चाहिए। इसलिए चाहिए कि आपको टॉवल, बड़ा टॉवल लेने की जगह पे तीन छोटे टॉवल लें और एक हैंड टॉवल अलग से रखें अपने बाथरूम में। नहाने के लिए टॉवल अलग अलग रखों के रखें, क्योंकि मुंह का टॉवल आपको पता अलग होना चाहिए, बालों का अलग, सिर का और बॉडी का अलग। और जो सबसे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सारे आदमी फेस करते हैं, वो अपने अंडरगार्मेंट्स धोते हैं और बाथरूम में ही सुखा देते हैं। जितनी भी चीजें बाथरूम में इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे फुट मैट है चाहे दूसरा मैट है, इन सबको उबलते हुए पानी में धो के धूप में अवश्य सुखाना चाहिए, तभी ये बैक्टीरिया से दूर होंगे। और एक जो सबसे बड़ी गलती लेडीज करती हैं वो है इस रेजर को इस्तेमाल करने की। इस रेजर को इस्तेमाल करने से उन लेडीज के, जैसे वो बाल साफ करती हैं, उनको खारिश शुरू हो जाती है, इचिंग शुरू हो जाती है और वो पहुंचती हैं डॉक्टर के पास। मेरे पास बहुत लेडीज इस तरीके से आती हैं जो रेजर इस्तेमाल करती हैं। मैं उन्हें एक ही बात बोलती हूँ कि रेजर आपको नहीं इस्तेमाल करना है, लेजर की जगह पे आप अपने बालों को सिर्फ ट्रिम करिए, और ना ही आप हेयर रिमूविंग क्रीम यूज करिए, इस जगह पे आप वैक्सिंग करा सकती हैं अगर आपने उस एरिया को साफ रखना है। इन केस आप रेजर यूज करती हैं तो आफ्टर शेव लोशन जरूर लगाइए। आजकल एक नया ट्रेंड है वॉश, वजाइनल वॉश यूज करने का, कि कोई इन्फेक्शन है कुछ भी है तो उसके लिए वॉश यूज करने शुरू कर देती हैं। स्टडी में पाया गया है कि 3 times ज्यादा रिस्क है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का अगर आप इस तरीके के वॉश यूज करती हैं। आप घर में एक वॉश बना सकती हैं, सिर्फ एक नारियल का तेल, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा मीठा सोडा लेके उससे अगर आप धोएंगी तो आपका एरिया वो साफ रहेगा, बिकॉज नॉर्मल पीएच, वहां साबुन भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है, पर आप नारियल का तेल रेगुलर लगाइए, बिकॉज लेडीज का जो सबसे सेंसिटिव एरिया है वो बाथरूम से ही खराब होना शुरू होता है, और बाथरूम के बाद उसको यूरिन में इन्फेक्शन, इन्फेक्शन योनि द्वार में इन्फेक्शन, उसके बाद बच्चेदानी में इन्फेक्शन, और फिर अंडेदानियों में इन्फेक्शन, और फिर बच्चे नहीं होते। तो ये छोटी सी उम्र से, बच्ची हो, बड़ी हो या उससे बड़ी हो, कोई भी एज का लेडी हो, तो बाथरूम की जो उसकी केयर है वो बहुत बहुत जरूरी है। ये इंफॉर्मेशन टॉयलेट सीट के बारे में और वॉश बेसिन के बारे में, कि जो क्लीनिनेस, जो क्लीन चीज हमें अपने बाथरूम में रखनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप इंफॉर्मेशन ये लोगों में फैलाइए और उनको अवेयर करिए कि जो चीजें हैं हमें नहीं करनी, खासकर ये जो रेजर है जो हमें बिल्कुल नहीं यूज करना है बाल साफ करने के लिए, इसकी जगह पे आप या तो बाल ट्रिम करेंगी या वैक्सिंग कराएंगी, और ये आपको बहुत सारी वजाइनल इन्फेक्शन और यूरिन की इन्फेक्शन से बचाएगा। और जो टॉवल आप बारी बारी इस्तेमाल अलग अलग करेंगे तो इसके आपके जो मुंह पे दाने हो जाते हैं उससे बचेंगे, बालों में जो डैंड्रफ होती है उससे बच जाएंगे। और ज्यादा देर सीट पे नहीं बैठे रहिए और नीचे ये रखिए, इससे आपके घुटने बचेंगे और दूसरा आपको पाइल्स की या हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू। मैं डॉक्टर सोनम करनाल से।